बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ले प्यारे व्यूवर्स, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबकी हर मुश्किलें दूर करें। तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो और चैनल को जो न्यू आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फुल वॉच किया करें वीडियो को, तो इससे हमारा और इंशाल्लाह फायदा होगा। तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए हमें, बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। हमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाने के लिए इतनी दूर से इधर आए, हिजरत दूर से हम हिजरत करके आए हैं। करके। मेरे अल्लाह ताला इंशाल्लाह हिजरत का फल जरूर देते हैं और हमें दे रहे हैं, इंशाल्लाह मिलेगा फल। तो जैसा कि आप सब कहते हैं जी, इधर बहुत ज्यादा गर्मी है, पिंडी में भी इतनी गर्मी है, इधर भी उतनी है, पिंडी में भी उतनी है। हो सकता है जून जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी होती हो यहाँ पे, तो बर्दाश्त तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बच्चों को मुस्तकबिल यहाँ पे, हमारा दाना पानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इधर आए। तो बाजी आई है हमारे घर, ये दिन को भी आए हैं, दरवाजा खटका खटका के हम लस्सी पी के उस कमरे में घोड़े पे सो सो गए थे। तो गए माशाल्लाह वो दूसरी दी आई थी, वो व्लॉग में नहीं आती, सबा की जो बहन और खाला जो है वो आई थी, दरवाजे कटका कटका के इधर से भी आवाजें देती रही, हम लोग सोए इस तरह बेहोश हुए। बड़ा दुख लगा, अब क्या करें। इधर मक्खियां थी, हम उस कमरे में चले गए, उस कमरे में सो गए गले और सो गया फिर अभी जी। पता उधर हमारा चला। एक कमरा था ना, तो एक कमरे के ये पर्दे, तो अब इधर माशाल्लाह तीन कमरे, एक कमरे की जो चीजें थी हमने इधर लगा दी। उधर हम चादरें नहीं थे बिछाते, हमारे बच्चे खराब कर देते थे। एक कमरे में हम क्या क्या करें, कभी इस बच्चे ने पिशी कर दी, कभी उसने कर दी, तो इस वजह से हमने उस कमरे को वैसे ही छोड़ा हुआ था। तो चादरें तो हमने महीना हुआ था टाइम ही, हमने इधर जो आना था, हमारा प्लान जो था फोन किया हुआ था भी हमने आना है, तो फिर इस वजह से सारा सामान हमने थोड़ा थोड़ा पहले भी पैक किया, फिर खोला, फिर पैक किया, यूं बस सिस्टम हमारा चलता रहा है। तो अभी भी बस बस इंशाल्लाह ये बकाया सेटिंग आज लाजमी करनी है, किचन भी साफ करना है। तो अभी तो फिलहाल ईंटों का चूल्हा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह देखें आज क्या पकाते हैं क्या नहीं पकाते क्या इंशाल्लाह। बात है जी, क्या बात है। माँ बेटी पप्पे आज दिखाओ तो, पापा को पप्पे। हाँ माँ बेटी तो आज बड़े हैप्पी मूड में है। हाँ, माशाल्लाह किधर आए क्या माशाल्लाह, कपड़े? मेरी परी आया कैसी के नहीं, लग रही मैंने है। खुद इसके थोड़े से बड़ी फ्रॉक रखी है। क्या क्या हुआ, किसके क्या कह रही आपी? मार गया। कह रही आपी ये मेरे पकड़े क्यों नहीं मेरे, लिए ये पकड़े? हाँ मेरे आयत लिए के पकड़े हैं, आज। जी, ये आयत के पकड़े हैं, ये किसके पूरे हैं? मोहल्ले के बर्तन आए हुए धोने के लिए। ये जी बर्तन, ये आ गए आप यहाँ पे ना, आप इंशाल्लाह 2 दिनों तक चलते हैं या खुद सिंह लगवाएंगे या क्या करेंगे क्या चीज ये सिंह? देखते हैं ना क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने इधर बर्तन रखे वीवर से, ये बर्तन इधर रख के ना अभी धोएंगे तो ये आप फर्श ये नीचे भी धुल गीली गया, हो जाओगी, फिर गीली होती है मिट्टी में बैठती और हो। वो कमरे का भी धुल गया, इधर कमरे का भी धुल गया। इंशाल्लाह ये सारी सेटिंग करके ना फिर आपसे हम शेयर करते हैं। क्यों हाँ जी, जी, नीचे बोर्ड वगैरह गिरा दिया है ना आपने, गिराया ये किसी का? मुझसे गिरा होगा, मैं क्यों इल्जाम अपने सिर ना लूं, मुझसे गिरा होगा। इल्जाम नहीं की करते हैं। जुल्म है ना, इतने सारे व्यूवर्स, ये देखो इतने सारे बर्तन जो धुले हुए थे वो भी मैंने धोने शुरू कर दिए। मैंने कहा मट्टी लगी है, सारे बर्तन धो लूं इस छानने में रख के, तो फिर इंशाल्लाह करूंगी इसके ऊपर कपड़ा लपेट के फिर उस कमरे में रख देंगे, मट्टी वगैरह ना पड़े। फिर जब यूज करें पानी की बाल्टी पास रखेंगे या नलके से पानी निकाल के धो के यूज कर लिया करेंगे। हाँ जी, मेरी सिस्टर का फोन आया, वो कह रही इतने दिनों से फोन मिला रहे हैं आपकी तरफ मिल नहीं रहा, इधर सिग्नल नहीं है टेनार के। आज 4-5 दिन हो गए, उन्होंने तो परेशान होना ही था। सब वीडियो देख रहे हैं, सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर के फोन पे लेके। नहीं वो नहीं वीडियो देखते, अच्छा वीडियो नहीं, एक बाजी के पास ही टच मोबाइल है, बाकी तो किसी के पास तो नहीं है ना। तो उन्होंने बच्चों से बात की है, बच्चों से घबराए हुए थे, सब बच्चों से भी बात हुई, कहती है मेरी छनिया मुनिया से बात करवा दे,
सब लाडलियां है ना, सबसे बात की ने। तो अब आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी हम बहने साल डेढ़ बाद मिलती थी, कौन सा हम रेगुलर मिलते थे। तो जिस तरह से आया, अब मेरी बहन आई थी हमारे इधर आने से हफ्ता पहले, तो 2 दिन रही है मेरी जिठानी, मेरी बहन आई थी, वो तो कुदरती मुझे मिल गई। मैं तो अपने किसी बहन भाई को नहीं मिल के आई, राशिद सारे बहन भाइयों को अपने मिल के आए। हमारा जो प्रोग्राम था ना लाहौर से रस्ते के आने का, एंड टाइम गाड़ी वाले ने हमें धोखा दिया था, ये भी तो नहीं, वो हमारी गलती थी, हमने उसको पहले जबान नहीं थी। नहीं, जो गाड़ी वाले रात को 11 बजे आना था। हाँ, हमारे साथ गाड़ी वाले ने भी तो धोखा किया था, उसने कहा मैं 11 बजे आ जाऊंगा, हम गाड़ी करवा के आए। वो बदतमीज इंसान आया नहीं है, उससे तो हमारा बड़ा दिल परेशान हुआ। तो हम रास्ते में बहुत जलील हुए हैं। हाँ जी, फिर सामान पैक था, दूसरे किराएदार भी आ गए थे, हम उधर तो नहीं थे रह सकते ना, तो फिर इस वजह से हमने किराया ज्यादा दिया, तो यहाँ तक हम पहुंचे। हाँ जी, अभी बड़ा टाइम लगेगा सारे बर्तन धोने, वो मट्टी की हंडी भी इधर करे सारी दो। वीडियो फुल देखनी है, स्किप नहीं करनी आप सब ने, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब से। और सब्सक्राइब कर दें अपने ग्रुप में शेयर कर दें। अब हाँ जी, अपने बहन भाइयों में सब में शेयर करें हमारा लिंक, ताकि हमें पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा कंटेंट है, हमारी अच्छी वीडियो बन रही है। तो जिस तरह की आप वीडियो कहेंगे उस तरह की इंशाल्लाह हम वीडियो कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये हमारा वादा है आपसे, हम झूठ नहीं बोलेंगे आप, इंशाल्लाह जो बात होगी रियल होगी, सच होगी, झूठ नहीं इंशाल्लाह आपसे बोलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे बर्तन धो लूं, फिर खाना भी बनाना, फिर रात बहुत लेट हो जाता है, तो फिर रात को ना इधर वो पूनिया शूनिया जो कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं, परवाने काली पूनिया, तो पता नहीं क्या क्या काली चिड़िया। अभी तो वीवर्स में सर्फ के साथ बर्तन धो रही हूँ, साबुन भी है, मगर साबुन की ना अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, वो मेरे ख्याल से उसमें पानी पड़ा रहा है ना, उसको डबल दो। इधर बिजली बहुत जाती है, बहुत बिजली जाती है। अच्छा, तभी बिजली का नाम लिया वो देखना, मैंने तो पहले भी लिए, पहले भी नाम लिया था मगर वो नहीं थी आई। ये किसी काम का नहीं, इसको क्या करना है, ये किसी काम का नहीं है, इससे नींबू ही नहीं निचड़ने, वो लकड़ी वाली से ना नींबू से ही निचड़ने होते हैं, लकड़ी वाले से। अभी हमें कौन से नींबू निचोड़ने की जरूरत है, पानी मोटर लगाओ, मैं पानी चेंज करूं, पानी मोटर लगाओ, जल्दी जल्दी बर्तन धो लूं, फिर बाकी काम कर दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सारे काम हो जाएंगे आप सबकी दुआओं से, हमारे साथ रहना माशाल्लाह। खाने का इंतजाम भी साथ साथ कर रहे, घर का काम भी कर रहे, तो सारे बर्तन मैंने धोए, छानने बना दिए, अब सुकून से बर्तन निकाला, यूज कर लिया, नहीं तो इतनी परेशानी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी ना, वेट भी नहीं मिल रहे थे, ऊपर से वेट भी नहीं। सबा से वेट मंगवाया, अब्दुलरहमान को भेजा जाओ वेट लेके आओ, तो अपना भी मिल गया, अब्दुलरहमान उधर गया पीछे से वेट पतीले में पड़ा हुआ, तो अब सबा वाला पड़ा हुआ, अपने वेट लगाए। तो मूंग मसर की दाल है, खाली नमक और मिर्च डाल के गला रही हूँ, प्याज का तड़का लगाऊंगी क्योंकि बाकी और कुछ भी नहीं है ना, टमाटर है, हरा धनिया, कोई मसाले नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जाएंगे शहर तो ले आएंगे। हाँ जी, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा बच्चे चावल चावल कर रहे थे, मैंने कहा फिर नाश्ते में फिर क्या करेंगे, सालन नहीं होगा तो रोटी किस से खाएंगे। अच्छा,
तो इसमें अब कितनी देर है, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट रखना है ना, 20 मिनट रखना है जब तक प्याज वगैरह काट लेते हैं ना। सही है, चलें जी इंशाल्लाह। जो ये देखें कि माशाल्लाह, वाह जी क्या बात है, तो मटिया भी मट्टी लगाना कौन सा मुश्किल है। अच्छा वो क्या दाल चावल बनेंगे ना, दाल चावल, हमारे चावल भी सब पड़े हुए और ये जो है ना सारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेटिंग हो गई है, सेटिंग हो गई है, बस वो रह गया, वो पता नहीं क्यों नहीं हमसे हो रहा वो। इंशाल्लाह कल, कल नहीं कल धूप है, अभी करेंगे रात को, रात को करेंगे, रात को खाना वगैरह खा लें, बना लेते हैं फिर करते हैं। क्योंकि मैंने व्यूवर से व्लॉग में बोला, जो अगला व्लॉग गया पिछला, भाई नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सारी सफाइयां हो जाएंगी, आपको दिखाएंगे। ये तो हमने 3-4 दफा धो लिया है, 3-4 दफा धो लिया, लेकिन आज मुकम्मल दिखाया है ना। हाँ जी माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा, साफ सुथरा कर, बस बाकी पर्दों की चादरों की कमी है, अल्लाह खैर करेगा वो भी आस्ता आस्ता सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। एक ही कमरे के थे ना, तो एक कमरे के साथ ही जा रहे हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, यूट्यूब फैमिली क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, से मैं ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है, अभी जो नाम उठे हैं सो के, तो रात को ना नबीला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम आपके साथ वो सारी रूटीन नहीं शेयर कर सके कि वो जो है ना उसको क्या हुआ था, वो उससे पूछते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? कंघी हो रही है? अच्छा माशाल्लाह, अपनी बहनों की कंघी कर रही है? अच्छा अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम, पेट में दर्द, वजन उठाया है तो तकलीफ शुरू थी मुझे ना, भी वजन उठाना मना है आप पकड़े में थी। जी प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। रात को खाना बनाते बनाते मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मुझे ना पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि मुझे काम ना सख्ती से मना है, फिर भी मैं कर रही हूँ, करने तो पड़ते हैं जाहिर बातें, घर के काम तो नहीं ना रुक सकते, तो डॉक्टरों ने बोला आप काम नहीं कर सकती, और हमें कमेंट आए आप प्रेगनेंट हैं। नहीं मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, मेरे ना ऑपरेशन हुए हैं, तो जो पित्ते का ऑपरेशन था ना वो मेरा भाई पित्ता बहुत ज्यादा गल चुका था, वो जिगर के साथ चिपका हुआ था, तो जिस टाइम उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया ना तो वो पित्ता फट गया था, तो मैं बिल्कुल सीरियस हो गई, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सीरियस हो गई थी, आईसीयू में मुझे रख लिया था उन्होंने, ऑक्सीजन वगैरह बहुत बुरे हालात थे। पानी से एक दूसरे को नहला रही है। ये देखे ना, आप ही ने प्यार भी कर दिया है। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला था भाई सिस्टर आपने बिल्कुल काम नहीं करना घर के, मैंने कहा वो तो करने पड़ते हैं मेरे बच्चे छोटे छोटे, कह रहे भाई हल्के फुल्के कर सकते हैं, वजनी काम नहीं कर सकते, अब जब से आए वजनी काम कर रही हूँ तो वो तबीयत बहुत खराब, अचानक से तकलीफ शुरू हुई, तो ना ही खाना खाने की रूटीन शेयर कर सके रात को, माजरत आप सब से, आप सब बस हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, परेशानी बन गई, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे आएंगे, ये बस अभी थोड़ी सी क्या काफी थकावटें और काफी और भी मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह सारे हल होंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे आपकी तरफ। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ क्योंकि कमेंट आए हुए थे, कमेंट का जवाब है, और राशिद का पूछ रहे थे ये क्या काम करते हैं, राशिद हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, जो शेरवानियों पे सिलमिस तारे का काम होता है ना ये वो करते हैं, तो भाई साल में 4 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता, अच्छा भाई 4 महीने काम होता है, बाकी काम नहीं इनका होता,
तो फिर हमने मजबूरी ये कदम उठाया था। ये हिस्ट्री इंशाल्लाह मैं एक दिन आपको सारी सुनाऊंगी, अपने घर की सूरत हाल सुनाऊंगी, किस तरह हमने चैनल खोला, क्या हुआ, सारी सुनाऊंगी जरा फ्री हो के। अभी मैंने उठे सुबह के टाइम में, घर का काम वगैरह करना है, जाहिर बात है काम ना करे तो गुजारा नहीं है। पेन किलर ली थी, पेन किलर से काफी फर्क पड़ा है। तो अभी बस थोड़ी सी सुस्ती में थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे तो आप सब देखना खुश होंगे, मेरी कुकिंग के अच्छे व्लॉग आएंगे आपके पास जी। एंड एम्ब्रॉयडरी जो शेरवानी, दूल्हों की शेरवानियां होती है ना, शादी का सीजन होता है, सिर्फ 4 महीने होता है सर्दियों का, मुहर्रम के बाद, तो वो ये काम करते थे। तो वो भी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, भी दुकानदार पैसे फंसा लेते हैं, पैसे नहीं थे देते, हमने मजबूरी फिर ये कदम उठाया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, वो चाहे रोए तो चाहे ऐसे, जो भी है तो रिस्क तो हमने कमाना है इंशाल्लाह। हमारा रिस्क अल्लाह ताला ने इसमें ही लिखा है तो इसी में से मिलेगा। बस ये हार्ड काम है, थोड़ा सा किया ना इन्होंने, इस वजह से इनकी जो है ना तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, वरना इनकी तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पिंडी में भी हम काम करते रहे, मसा हल्का फुल्का खाना पीना जो है ना वो चलता रहे, ये हार काम की वजह से इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई है। सर आपकी जो भी रोटी ना अभी चेंज करते हैं, बच्चों को भूख भी लगी है, तो मुझे कहने चावल गर्म करके दें, चावल गर्म करके देते हैं तो फिर आपके ना वो भी चेंज करते हैं। मेरा मसला ना भाई, जो वो पिता का ऑपरेशन हुआ है ना, पहले भी मेरे पेट से ना डॉक्टरों ने पानी निकाला है, मेरे पेट में पानी पड़ जाता है, और फिर 4 ऑपरेशन बेबी वाले हुए हुए, तो पिता का हुआ हुआ है, आप खुद हिसाब लगाएं मेरा क्या हाल है, एक किस्म की खत्म हुई हूँ। फिर भी देखें, कहते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मैं कोई अनोखी माँ नहीं हूँ जो बीमारी के हालत में अपने बच्चों के लिए लगी हुई हूँ, हर माँ बाप करते हैं। मगर मेरा ये मसला है ना, पानी डॉक्टरों ने कहा था आपने पानी नहीं निकलवाया तो आपकी हालत ज्यादा खराब होगी। फिर मेरे अब्बू के ना पेट में पानी था तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी, जब वो निकलवा के आते थे ना मछली की तरह तड़पते थे, तो उस डर की वजह से अब मैं भी अपने पेट का पानी नहीं निकलवाती, अब गोलियां वगैरह शुरू करूंगी दवाई, तो फिर काफी इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगी। आपको मेरे फेस से पता लग रहा होगा कितनी मेरी हालत खराब है, तो आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। और मेरे बच्चों को भूख लगी है, अवन का करें, अवन लग चावल पड़े हुए, दाल पड़ी है, बच्चों को दे दे, बच्चे खाना खा ले सुकून से, उसी कमरे में देना हल्का सा दरवाजा बंद करके ताकि मक्खियां वगैरह ना जाए। क्या हुआ है, क्या हुआ है, अच्छा मैं नीचे उतारता हूँ, वो देखे नीचे वो देखो उसके काम, भर जाएगा ये कुछ ही दिन है। अच्छा ये भी बात पड़ते हैं, ये साथ से चढ़ने की कोशिश कर रही है, आगे लगा हुआ दरवाजा जिसकी वजह से चढ़ नहीं पाती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी, ठीक हो, खुशी हो, नाई हो। अच्छा अभी आपने जाना है अफजल अंकल के घर, ठीक है ना, वहाँ पे आपने देख लेना है वो बर्फ वाला कटोरा, उसका झाड़ू लेके जाना है, और उनका और सामान है वो लेके जाना है, ठीक है ना, वो आपने तो देख लिया, ठीक है, देख के जल्दी से घर वापस आना, ओके। तो पता नहीं क्या कमांड एक आया था, मैंने अभी जो है ना वो सही पूरा पता नहीं किया, जब उसको ओपन करता हूँ ना तो ओपन नहीं होता पूरा कमांड, के पता नहीं आपका अपने बेटे के साथ आप क्या काम कराते हो, ये है वो है, हम मिलजुल के काम करते हैं। अभी बस यही मुश्किल हम पे वक्त है, फिर हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से ट्यूशन से पारा, फिर इन बेचारों के पास टाइम, हम भी तरस जाएंगे अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए। ये मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है घर का काम कराने की, ये तो इसको हम रोकते हैं, ये रात को मुझे कह रहा था मामा जी उठे बर्तन में दूंगी, मैंने कहा सब्र करो आप क्यों बर्तन दोगे, हालांकि ये काम बेटियों के थे, वो तो बेचारी अभी छोटियां हैं,
तो ये कहता मामा मैं 7 बर्तन दूंगा। मैंने कहा नहीं, बर्तन मैं खुद दूंगी। अवन किधर लगाया है? लगाया वही रूटीन। है उसी पर आना हूँ के नाम में, 2 फ्रिज लगे वहां पे लगा दिया मैंने। फ्रिज अभी के क्या ऊपर करें, मैंने कहा था आप जिधर भी जाएंगे अवन फ्रिज के ऊपर नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं पोछता, बड़ी मुश्किल से जाता चलो उसका करते हैं ना बाद में बंदोबस्त, फिर आ करते हैं उसका क्या है। करना है। अभी तो मैं जाकर ना उसको मैं करता हूँ ना चावल चावल निकाल कर गर्म करके ना मैं तो देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग कुछ खाना है तो मंगाओ। रोटी नहीं अभी नहीं, रोटी खाऊंगी ना दाल के साथ, और क्या खाएंगे? आज मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको आज नहीं रोटी दूंगा वो ला के देता हूँ, या होता है रस जो मुझे रस कहते हैं नहीं, यहाँ मैं पे वहाँ पापे नहीं पे, खाऊंगी, मैं केक रस खाऊंगी। पता नहीं यहाँ पे मिलते हैं तो ये नहीं क्यों नहीं मिलते। मिलते हैं? हमारा पाकिस्तान है ये। चलो मैं पूछ लूंगा अगर हुए तो मैं ले आऊंगा इनके लिए। आपने जैसा रस खाने हैं चावल का भी कहीं खाना तो मेरे पास लाना, ठीक है ना? तो उससे ये होगा कि आपका जो है ना तो आपका पेट अभी भी बढ़ जाएगा, आपको टाइम पे भी बढ़ जाएगा, शाम को आराम से हाँ जी शाम को टाइम से रात खाना बनाएंगे। जी माशाल्लाह से बच्चों को जो है ना राइस ये गर्म करके दे दिए हैं। तो आपको ये भी बताना भूल गए कि रात को ना हम बना रहे थे इस पे ना सिलेंडर पे चावल वगैरह और दाल वगैरह, सिलेंडर के निचले हिस्से पे ना आग लग गई थी, जिस वजह से हमने उसको बंद कर दिया। फिर किया लकड़ियों पे चावल पकाए और दाल जो है ना पक चुकी थी उस टाइम ना सिलेंडर पे, तो अब सिलेंडर भी सही करवाने जाना है। तो देखते हैं इंशाल्लाह और भी रूटीन जो भी होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।